नारायण भगवान की। भक्तजनों, आज मैं आप सबको श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस घनघोर कलयुग में कष्टों के अथाह सागर से पार उतारने वाली कथा है सत्यनारायण भगवान की कथा। इसको सुनने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेकों पापों से मुक्ति मिल जाती है, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, घर के आंगन में किलकारियां गूंजने लगती हैं। परंतु आज का मतलबी इंसान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो क्या, भगवान का नाम भी नहीं सुमिरता है। अपने धर्म से, अपने सत्कर्म से, अपने ग्रंथों से, वेदों से दूर होता चला जा रहा है आज का इंसान। इसीलिए तकलीफों के सागर में गोते लगा रहा है। यदि कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो अपने वेदों को पढ़ो और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करो। सुख धन वैभव वाला तुमको मार्ग बताता हूँ, भक्तों मार्ग बताता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ, कष्टों का सागर तरने का सार बताता हूँ, भक्तों सार बताता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ, में एक समय नैमी शरण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसी पावन कथा हो तो हमें सुनाइए, उस कथा को सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ कथा एवं व्रत को आप सबको बताता हूँ, जिस कथा को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से सुनी थी और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो उस मोक्षदायिनी पापनाशिनी कथा को ध्यान से सुनिए। कथा हुई प्रारंभ, मुनि सुन रहे लगा कर ध्यान, श्री सूत जी कहते हैं ये कथा बड़ी है महान, कालांतर की सत्य कथा मैं आज सुनाता हूँ, श्री सत्य नारायण कथा का तुमको सार बताता हूँ। पुलका मुख के नाम का राजा बड़ा था वो विद्वान, सत्य मार्ग पे चलने वाला हृदय से दयावान, पत्नी उसकी सती साध्वी जैसी लगती थी, धर्म कर्म और पूजा पाठ में आगे रहती थी, सत्कर्मी थे राजा रानी सत्य बताता हूँ, भक्तों सत्य बताता हूँ, श्री सत्य नारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।
बस उल्का मुख राजा अपनी पत्नी और प्रजा के संग भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विशाल आयोजन करते हैं। गुणी विद्वान पंडितों को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवाते हैं। उसी समय जब कथा चल रही होती है कि एक साधु नाम का वैश्य व्यापारी नौका द्वारा वहां पर पहुंचता है। नौका में बहुत सारा धन वस्त्र आभूषण भरा हुआ था। राजा को कथा सुनते देखकर वैश्य ने राजा से पूछा, राजन ये कथा कैसी है, किसकी है और इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं? हे राजन बतला दो मुझको कथा का प्रयोजन, कैसी कामना है तू किया है कथा का आयोजन, सारा महत्व बता दो राजन उठी है जिज्ञासा, कथा का सार बता के कर दो पूरी अभिलाषा। राजा बोले सुनो साधु जी कथा का सारा सार, धन वैभव और पुत्र पौत्र से भरा रहे परिवार, इसीलिए श्री सत्यनारायण कथा कराई है, इस व्रत को करने से कटती हर कठिनाई है। क्या बोला राजा से वैश्य वो तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। राजा के पावन वचन सुनकर वो वैश्य हाथ जोड़कर कहता है, आप मुझे इस महान कथा का समस्त वृतांत बताइए, मैं भी आपके कथनानुसार इस पावन व्रत कथा को विधिवत करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है, हे राजन कृपा करके आप विस्तार से ये व्रत कथा की विधि मुझे समझाइए। राजा ने कथा की सारी विधि उसको समझा दी। वो व्यापारी कथा समाप्ति तक वहीं पर रहता है, प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर की ओर चल पड़ता है। अपने घर पहुंचकर पत्नी से कहता है कि हे प्रिय मैंने संतान प्राप्ति का एक सरल उपाय सीख लिया है, जब हमारे घर में संतान पैदा होगी तब हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। सुनकर के उस वैश्य की पत्नी होती है खुशहाल, लीलावती पति की खातिर जल लाई तत्काल, पति पत्नी दोनों ही बड़े आनंदित होते हैं, मन ही मन औलाद के लिए हर्षित होते हैं, उन दोनों के ऊपर भक्त खुश हो गए भगवान, दसवें मास में उनके घर में जन्मी एक संतान, सुंदर सी प्यारी सी कन्या घर में आती है, उनके सुने आंगन में खुशियां भर जाती है, रखा कलावती कन्या का फिर नाम बताता हूँ, भक्तों कथा सुनाता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। माता पिता बड़े प्रेम से उस कन्या का नाम कलावती रखते हैं और पुत्री कलावती
दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगती है। एक दिन लीलावती अपने पति से कहती है, स्वामी भगवान की कृपा से हम भी संतान वाले हो गए, अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। लीलावती का पति बोलता है, हे प्रिय इतनी जल्दी काहे की है, जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा लेंगे। अपनी पत्नी को समझाकर करने चला व्यापार, बैठ गई थी लीलावती वो अपने मन को मार। कुछ वर्षों के बाद वैश्य जब लौट के आता है, अपनी पुत्री को विवाह के योग्य वो पाता है। चारों दिशा में वर की खोज में दूत भेजता है, कलावती का ब्याह करा दूं मन में सोचता है। कंचनपुर में मिला योग्य वर वणिक पुत्र गुणवान, बुद्धि विवेक में उत्तम था वो और बड़ा धनवान। कलावती के लिए चुन लिया उसे बताता हूँ, भक्तों कथा सुनाता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कंचनपुर नगर में सुयोग्य वर मिल गया भक्तों, और कलावती का विवाह धूमधाम से हो गया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा वैश्य करवाना भूल जाता है, जिसके कारण श्री नारायण रुष्ट हो जाते हैं। क्रोध में कहते हैं, हे अहंकारी वैश्य, तुझको दारुण दुख प्राप्त होगा। वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते रत्नसारपुर नगर को जाता है, और चंद्रकेतु राजा के राज्य में दोनों मिलकर व्यापार करने लगते हैं। श्री नारायण जी के क्रोध से घटना घटी विशेष, ससुर जमाई के जीवन में कुछ ना बचा था शेष। चंद्र केतु राजा के महलों घुस जाते हैं चोर, जाग रहे थे पहरेदार सब मचा दिया था शोर। राज महल से धन की पोटली आया लेकर के, ससुर जमाई जहाँ थे ठहरे वहाँ पे आकर के। धन की पोटली रख देता है तंबू के अंदर, जहाँ पे सोए ससुर जमाई ताने हुए चादर। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ भक्तों, वो बतलाता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। राजा के सिपाही चोरों की तलाश करते करते साधु वैश्य के तंबू में घुस जाते हैं। देखते हैं जेवरों से भरी पोटली तंबू के अंदर रखी हुई है। ससुर जमाई को चोर समझ के दोनों के हाथों को बांध करके राजा के समक्ष ले जाते हैं। राजा उन दोनों को कारावास में डाल देने का आदेश देते हैं, और उधर उसकी पत्नी लीलावती को भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था।
ये सब श्री सत्यनारायण भगवान के रुष्ट हो जाने के कारण हो रहा था। उनके घर में जो कुछ भी था चोर चुरा कर ले गए। कलावती वो साधु की पुत्री कष्ट उठाती है, कैसे किस्मत रूठ गई कुछ समझ न पाती है। घर में बचाना दाना कोई खाना क्या खाए, अपने मन की पीड़ा जाकर किसको बतलाए। भारी मन से कलावती गई ब्राह्मण के फिर घर, सत्य नारायण भगवान की हो रही कथा वहां पर। बैठ वहीं पर लीलावती फिर कथा को सुनती है, लेकर के प्रसाद वो अपने घर को चलती है। कलावती की माँ क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, हे पुत्री तू कहाँ गई थी और इतनी देर कैसे लगी आने में। कलावती बोली, हे माता मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, सो मैं कथा सुनने के लिए बैठ गई। देखो मैं प्रसाद भी लेकर आई हूँ। कलावती की बात सुनकर लीलावती को स्मरण हो जाता है कि हमने भी संकल्प ले रखा था कथा करवाने का, परंतु अभी तक अपना संकल्प हमने पूर्ण नहीं किया है। करने लगती है उसकी माँ कथा की तैयारी, कथा के पूजन की सामग्री ले आई सारी। आस पड़ोस कुटुंब को सारे वो बुलवाती है, बड़े प्रेम से नारायण की कथा कराती है। मन ही मन में लीलावती मांग रही वरदान, पति और दामाद को जल्दी ले आओ भगवान। मम अपराध क्षमा कर दीजिए जोड़ रही हूँ हाथ, विनती को सुन लीजिए हे प्रभु दीनानाथ। अब आगे भगवान की लीला सुनो सुनाता हूँ, भक्तों सुनो सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सत्यनारायण भगवान लीलावती से प्रसन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में कहते हैं, हे राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही बंधन से मुक्त कर दो और उनका जितना भी धन माल आपने छीन लिया है वो सब उनको लौटा दो, अन्यथा आपका राज्य एवं संतान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा प्रातः ही उन दोनों को मुक्त कर देता है और बहुत सारा धन धान्य देकर दोनों को विदा कर देता है। ससुर दामाद चले नौका में भर कर के धन मान, सत्य नारायण दंडी वेश में आ पहुंचे तत्काल। दंडी जी ने साधु से पूछा सच सच बतलाना, किस नौका में भरा हुआ है कितना खजाना।
भावों से भरी है नौका ये सारी। समझ रहे हो माल खजाना मती गई मारी। क्या बोले फिर दंडी जी मैं वो सुनवाता हूँ भक्तों वो सुनवाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। के कठोर वचन सुनकर दंडी भगवान बोले तुम्हारा कथन एवं वचन सत्य हो जाए। यह बोलकर दंडी भगवान चले जाते हैं। दंडी जी के जाने के बाद ससुर दामाद दोनों नौका से उतरकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाते हैं। वापस आकर देखते हैं कि उनकी नाव तो पानी से काफी उठी हुई लग रही है। तिरपाल उठाकर देखते हैं तो नाव में सचमुच बेल पत्र और घास फूस भरा होता है। धन माल खजाना सब गायब हो जाता है। ससुर चकराकर भूमि पर गिर जाते हैं। दामाद उन्हें संभालता है और कहता है ये दंडी जी के क्रोध के कारण हुआ है। तीव्र गति से दौड़ा साधु वो दंडी जी की ओर। रुक जाओ हे दंडी भगवान मचा रहा था शोर। दंडी जी मिल गए राह में पकड़ लिए थे पांव। हे दंडी जी पहले जैसी कर दो मेरी नाव। मम अपराध क्षमा कर दीजिए हुई भूल भारी। बेल और सूखे पत्तों से भरी नाव सारी। रोए बणिक और आंसू बहाए जोड़े दोनों हाथ। भूल हमारी करो क्षमा है दंडी दीना नाथ। क्या बोले फिर दंडी भगवान वो बतलाता हूँ भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। आज्ञा से तुम्हें बार बार दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने अपना लिया हुआ संकल्प पूर्ण नहीं किया था इसी कारण से तुम कष्टों के भागीदार बने हो। वणिक पुत्र हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है रोता है गिड़गिड़ाता है हे भगवान आप मुझे क्षमा दान दीजिए। हे भगवान आपके स्वरूप को तो कोई भी नहीं जानता है तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा आराधना करूँगा। कृपा करके मेरी नौका को यथावत कर दीजिए। वणिक के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर धन माल से भर गई दोनों हुए खुशहाल। बेल पत्ते सब गायब हो गए पर गया था धन माल। वहीं पे सत्य नारायण जी की पूजा करते हैं करके फिर वितरण प्रसाद का आगे बढ़ते हैं। अपने घर के निकट पहुंच के घर भेजा संदेश करके हम व्यापार लौट के आ गए अपने देश। घर में सत्य नारायण जी की कथा हो रही थी। मिला संदेशा पति का जब तब कथा हो रही थी। पुत्र
श्री से माता क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्य नारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, हे पुत्री तू कथा सुन, पूजा कर, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। बहुत अरसे के बाद वो वापस लौटे हैं। माता के वचन सुनकर कलावती भी पूजा प्रसाद सब कुछ छोड़कर अपने पति को देखने के लिए भागती है। प्रसाद की अवज्ञा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान फिर से रुष्ट हो जाते हैं और कलावती के पति की नौका को नदी में डुबो देते हैं। कलावती अपने पति को न देखकर रोने लगती है, रोती हुई धरती पर गिर जाती है। अपने दामाद को न देखकर अपनी पुत्री को बिलखता देखकर वणिक साधु दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। गलती को क्षमा करो भगवान, आपने हमको दिया हुआ है खुशियों का वरदान। मुझसे या परिवार से मेरे हुआ अगर अपराध, क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे, दया करो हे नाथ। मेरी पुत्री कलावती है आप कही वरदान, मेरे दामाद की नौका हमको दिखला दो भगवान। वरना मेरी पुत्री भगवान जी ना पाएगी, पति वियोग में यहीं पे वो रो के मर जाएगी। इसके आगे की तुमको अब कथा बताता हूँ, भक्तों कथा बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। तभी वहाँ आकाशवाणी होती है, हे वणिक पुत्र, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का अपमान करके चली आई है। पति के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई, इसीलिए इसके पति की नौका अदृश्य हुई है। यदि ये वापस घर जाए और मेरा प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे पुनः वापस मिल जाएगा। इतना सुनना था कि कलावती भागकर घर को जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करके वापस आती है तो कलावती की पति की नौका उसे फिर से दिखाई देने लगती है। पति को देखकर कलावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंततः स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा भाव से बोलिए भक्तों, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। यदि कथा लिखने पढ़ने सुनने में कोई त्रुटि कोई भूल चूक हुई हो तो सभी ज्ञानी जन सुखदेव को क्षमा कर दीजिएगा।